इसराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली राजदूत का बयान, नाउरगिलों ने कहा हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की बैठक, 25 अक्टूबर को हुई बैठक में लॉ कमीशन ने कहा 2024 के चुनाव में इसे लागू करना मुमकिन नहीं। राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक का दावा, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले मैं लिख कर देता हूं अब नहीं आएगी मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी बैठक, घाटी में पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ रोकने को लेकर हुई चर्चा। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख फाइनल, 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के कर कमलों से की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर आरोप, बोले पीएम मोदी चुनावी फायदा लेने के लिए उठा रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान, राजस्थान में ट्रैक्टर कांड पर कहा झूठी कांग्रेस झूठी प्रियंका, ये अराजक मानसिकता का परिणाम है। महुआ मोइत्रा के मामले पर आज होगी सुनवाई, पैसा लेकर प्रश्न पूछने का है आरोप, लोकसभा की एथिक्स कमेटी करेगी सुनवाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले मायावती को इंडिया में शामिल किए बिना यूपी में बीजेपी को हराना मुश्किल। और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया का बड़ा बयान, बोले सनातनी हूं इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हूं, मुझ पर धर्म परिवर्तन करने का बनाया गया था दबाव, पीसीबी ने मुझे नहीं किया सपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया।